सिनेमा शो में आज बात करेंगे मस्ती फिल्म की चौथी किश्त की, बताएंगे ड्यून पार्ट 2 पहले वीकेंड कितनी कमाई कर सकती है और कब से शुरू होगी जॉली LLB 3 की शूटिंग। तो आइए फटाफट डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। टिमोथी शालमे की ड्यून पार्ट 2 1 मार्च को इंडिया में रिलीज होने जा रही है। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसकी कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। Variety.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले वीकेंड करीब 80 से 90 मिलियन डॉलर यानी करीब 786 करोड़ रुपए कमा सकती है। जॉली LLB की फ्रेंचाइज की तीसरी किश्त जॉली LLB 3 पर अपडेट आया है। अक्षय कुमार और अर्शद वारसी ने जॉली LLB 3 की शूटिंग के लिए डेट्स दे दी हैं। इस साल मई से ये फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल तक इस सटायर कॉमेडी फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारा जा सकता है। साराभाई वर्सेस साराभाई के प्रोड्यूसर JD मजीठिया ने इसके तीसरे सीजन पर बात की है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए JD ने कहा, तीसरा सीजन दिमाग में है तो मगर लेकिन इसमें कुछ वाव फैक्टर होना चाहिए, आप लोग प्रार्थना कीजिए। बाकी साराभाई के तीसरे सीजन की प्लानिंग तो चल रही है। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में तेलुगु एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल नजर आएंगी। मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में प्रज्ञा का बेहद जरूरी रोल होगा। इस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म की शूटिंग प्रज्ञा जल्द शुरू करेंगी। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अलाया एफ भी नजर आने वाली है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक वो एक हैकर बनेगी। पहले ये रोल मानुषी छिल्लर को ऑफर किया गया था मगर बात नहीं बनी। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद पर रिलीज होगी। रजनीकांत इन दिनों अपनी फिल्म वेटरन की शूटिंग कर रहे हैं। सेट से उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि रजनीकांत मूवी में पुलिस वाले बनेंगे। वेटरन की शूटिंग खत्म करने के बाद रजनी लोकेश कनगराज के साथ थलाइवर 171 पर काम शुरू करेंगे। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी अगली पिक्चर अनाउंस कर दी है जिसे फिल्म मेकर करण रावल डायरेक्ट करेंगे। ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होगी जिसका नाम फिलहाल नहीं रखा गया है। इसकी शूटिंग जल्द शुरू की जाएगी। रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफ्ताब शिवदासानी की फिल्म मस्ती के चौथे पार्ट की अनाउंसमेंट हो गई है। फिल्म को मिलाप जावेरी डायरेक्ट करेंगे। मस्ती फ्रेंचाइज की पहली तीन फिल्मों को भी जनता का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। मस्ती 4 जल्द ही फ्लोर पर जाने वाली है। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम के दोनों पार्ट्स के हॉलीवुड रीमेक बनने वाले हैं। पेनोरमा स्टूडियोज ने गल्फ स्ट्रीम पिक्चर्स और JOAT फिल्म्स के साथ मिलकर दृश्यम के राइट्स खरीद लिए हैं। अब इसे हॉलीवुड रीमेक के तौर पर बनाया जाएगा। इंग्लिश के अलावा इसका कोरियन वर्जन भी बनाया जाना है जिसमें पैरासाइट वाले एक्टर सॉन्ग कैंग हो के होने की चर्चा है। फिल्म मेकर प्रकाश झा पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव पर वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। उन्होंने एप्लॉस एंटरटेनमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ये सीरीज विनय सीतापति की बुक हाफ लाइन पर बेस्ड होगी। शाहरुख खान की फिल्म डंकी 14 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर की गई थी। नेटफ्लिक्स पर दूसरे हफ्ते में इसे 11 मिलियन व्यूइंग आवर्स मिल चुके हैं, मतलब इसे 1 करोड़ घंटे से ज्यादा बार देखा जा चुका है। डेब्यू वीक में डंकी को 4.9 मिलियन यानी 49 लाख व्यूज मिले थे, जिसे अब तक कुल मिलाकर 24.1 मिलियन यानी 2.40 करोड़ घंटे बाद देखा जा चुका है। इसी रिकॉर्ड के चलते डंकी नेटफ्लिक्स पर नॉन इंग्लिश फिल्मों वाली कैटेगरी में नंबर 1 पर पहुंच गई है। इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की अपकमिंग फिल्म नादानिया में सुनील शेट्टी और दिया मिर्जा भी नजर आएंगे। दिया और सुनील इससे पहले 10 कहानियां, फाइट क्लब और कैश जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। बीते दिनों विकी कौशल अपनी फिल्म छावा की शूटिंग के चलते चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से इसकी शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी। विकी फिर से छावा की शूटिंग 9 मार्च से शुरू करेंगे। काजोल और कृति सैनन की फिल्म दो पत्ती का टीजर आ गया। इसमें काजोल पुलिस वाली के रोल में दिख रही हैं। शशांक चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट OTT पर रिलीज किया जाएगा। इसकी रिलीज डेट जल्द अनाउंस की जाएगी। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। जाते जाते एक कन्नड़ा भाषा की फिल्म रिकमेंड करेंगे। साल 2015 में आई तिथि, 4 पीढ़ियों की कहानी, चारों बिल्कुल अलग, अपने काम में मदमस्त। फिर एक दिन अचानक किसी की मौत हो जाती है। उस मौत के बाद कहानी में दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट एंड टर्न आता है। कमाल की फिल्म, शानदार एक्टिंग और ना भुला सकने वाले किरदार। नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, नहीं देखा तो जरूर देखिए और हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। फिलहाल लेंगे विदा, मुलाकात होगी कल नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमसे, देख रहे ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।